नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC कुमार अनुराग और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके द्वारा देश और समाज के मूलभूत समस्याओं को उजागर कर राष्ट्रीय निर्माण में सकारात्मक जिम्मेवारी का निर्वहन किया जाता है। DM ने कहा कि देश में लोग अलग अलग तरह की नौकरी करते हैं, लेकिन सभी छोटी बड़ी खबर की जानकारी लोगों को मीडिया के माध्यम से मिल पाती है और इसलिए राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों और पत्रकारों ने भी DM और वहाँ मौजूद अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समाचार संकलन के दौरान होने वाली समस्याओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी। वहीं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में प्रेस के स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद की कल्पना की गई, जिसके कारण 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई और 16 नवंबर 1966 से ही विधिवत कार्य शुरू किया गया। इधर परिचर्चा के दौरान जिले के कई वरिष्ठ और युवा पत्रकारों ने भी अपनी बात रखते हुए कई सुझाव दिए, जबकि भागलपुर में प्रेस क्लब के गठन को लेकर चर्चा की गई। पत्रकारों ने कहा कि संविधान के अनुसार मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन कवरेज के दौरान अक्सर कई अधिकारी मीडिया से तालमेल नहीं बैठाकर उनके साथ बदसलूकी भी करते हैं, जिसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस पर DM, DDC और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने इस तरह का व्यवहार पत्रकारों के साथ करने की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी समेत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के कई पत्रकार मौजूद रहे। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल सर्जन आवास के समीप स्थित श्रीकुंज अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए कैश और संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। दरअसल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1A में रहने वाली सोनी सिंह के फ्लैट में चोरों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें सोनी की बहन के सगाई और शादी को लेकर घर में बैंक लॉकर से लाकर रखे गए सोना चांदी के जेवरात की चोरी कर ली गई। वहीं चोरी की दूसरी घटना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 2A में अंजाम दिया गया, जो उत्पाद विभाग के स्पेशल PP वासुदेव प्रसाद शाह का फ्लैट बताया जा रहा है। चोरों ने स्पेशल PP के घर से भी कैश के साथ 50 भर चांदी की चोरी कर ली। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज को खंगालने के बाद मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज में अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं। बता दें कि एक दिन पूर्व ही भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने ठंड को लेकर सभी थाना प्रभारियों को मुस्तैदी से गश्ती करने का निर्देश दिया था, लेकिन अगले ही दिन बेखौफ चोरों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हाँ, एंगेजमेंट था मेरी बहन का 6 नवंबर को, तो उसके लिए हम लोग लॉकर से जा करके सारा सामान निकाले थे। स्टेट बैंक के लॉकर से सारा सामान, हम अपना अलग और मेरी बहन का अलग था, तो दोनों मिला करके लगभग 400-500 ग्राम का सोना चांदी दोनों मिला करके होगा हमारे घर में, और सब हम एंगेजमेंट के पर्पज़ से ही निकाले थे। और अभी 11 तारीख को हम लोग अपने अपने जगह गए, क्योंकि हम भी जॉब करते हैं, मेरी दोनों बहन भी जॉब करती है। हाँ, ये मैं प्रोफेशनली स्पेशल PP एक्साइज हूँ। मैं अपने कोर्ट वर्क के लिए 10 बजे यहाँ से निकला था और उसके बाद फिर काम करके करीब 4 बजे वापस आया तो देखा कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है। गार्ड के साथ ऊपर आए, ऊपर आने के बाद जो है सब रूम को चेक किया तो तीनों रूम में हमारा एक अलमीरा है, तीनों का अलमीरा टूटा हुआ है और सारा कपड़ा लत्ता पेपर सोरे सब बिखरा हुआ है। मेन जो हमारा मास्टर रूम है उसमें गोदरेज अलमीरा है, उस अलमीरा में लॉकर भी है, उस लॉकर को भी तोड़ लिया। अलमीरा को तोड़ने के बाद लॉकर को तोड़ा, लॉकर में हमारा ऑर्नामेंट्स था, कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब था, तो डॉक्यूमेंट्स को तो वो टच नहीं किया, कुछ फिक्स का पेपर था। इसलिए कि मैं अभी अकेला रह रहा हूँ इस फ्लैट में, मेरी पत्नी के घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी दिल्ली में एडमिटेड है।
नवगछिया ढोलबज्जा के कासिमपुर की एक शादीशुदा महिला ढोलबज्जा निवासी अपने प्रेमी के घर पर धरने पर बैठ गई, जिसे देखने वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं धरना पर बैठी महिला ने बताया कि उसकी पहली शादी पचगछिया टोला कदवा निवासी से हुई थी, जिसे छोड़ने के बाद उसकी दूसरी शादी 5 साल पूर्व खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहदीपुर गाँव के एक युवक से हुई थी। महिला ने बताया कि करीब 2.5 वर्ष पहले उसकी मुलाकात ढोलबज्जा निवासी उमेश भगत के पुत्र संतोष भगत से हुई और उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि महिला का प्रेमी भी पहले से शादीशुदा है, जिसे 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद शादीशुदा युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग जारी रहा। महिला का कहना है कि प्रेमी संतोष ने शादी करने का झांसा देकर उसका ससुराल छुड़वा दिया और नवगछिया में एक किराए के मकान में रहने लगा, जबकि इस दौरान करीब 8-9 महीने से संतोष उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा, लेकिन शादी की बात करने पर उसने इनकार कर दिया। इसी को लेकर महिला ढोलबज्जा स्थित अपने प्रेमी संतोष के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गई और हंगामा शुरू हो गया। वह इसको लेकर थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, लेकिन किसी पक्ष के द्वारा अब तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है और शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। कैसे मुलाकात हुआ? जब जा रहे वहाँ द्वारे में गरिया जबरदस्ती नंबर उम्र सब बात बोल लिए, एक बात कर मो सब चीज कहिए कि हमारा पाबे खातर बाप बा कह के सब छबे कर लो, सब बात पूछे रही है, एक को बात सही नहीं बोले के एक शादी होला चल कल के नहीं हो रो छे। जब ना 3-4 महीना जने लिए यहाँ हमारा सब चीज बर्बाद करी गई, पीछा छोड़े भागे रे, तब एक सब रिश्ता माधीपुर तक यहाँ पहुँचल छे, सब वहाँ जने गल छे, पहले हमारा रखल वहाँ सरपट्टे करके जब ओकर सब चीज और वहाँ पर रखे ना कलके जब वो अत तो हमारा नहीं रखो सब बात बोली गल छे, लेकिन ये सब चीज खरीद ले छे। यहाँ कब आए? नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गाँव में देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर से बक्सा चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि बक्से में रखे नकदी समेत एटीएम कार्ड चोरों ने उड़ा लिए। वहीं पीड़ित उदय यादव ने बताया कि वह एक निजी होटल में काम करते हैं और हर रोज की तरह कल भी वह रात के 11 बजे घर आने के बाद खाना खाकर सो गए और जब सुबह नींद खुली तो पता चला कि उनके घर का बक्सा गायब है, जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन बक्सा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बक्से में उनका फोटो था। वहीं कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने घर पर आकर कहा कि एक बक्सा गांव के ही बगल के बगीचा में पड़ा हुआ है और वहां जाने पर देखा तो वह उसका ही बक्सा था, लेकिन बक्से का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उदय यादव ने बताया कि बक्से में रखे 25,000 नगद रुपये, जेवर और एटीएम कार्ड समेत कई सामान गायब थे। उन्होंने कहा कि बक्सा में रखा पैसा इंदिरा आवास योजना से घर बनाने के लिए ईंट बालू छर्री का पैसा था। वहीं इसको लेकर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार ने कहा कि इस तरह का कोई मामला अब तक उनके संज्ञान में नहीं आया है। सिकंदर स्ट्रीट में काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। मिठाई दुकान में रात में 11 बजे हम आए तो काली थान में भजन हो रहा था, तो हम उधर से आए तो प्रसाद वरसाद खाते आए, घर आके गोर हाथ धो के खाना वाना खा के हम सो गए, तो सवेरे पता चलता है जब उधर लेडीज लोग लेटरिन गया तो देखता वहाँ बक्सा छिड़िया हुआ, तो उसमें मेरा फोटो था उसमें, उससे पता चला कि मेरा बक्सा वहाँ पे पड़ा हुआ है, छिड़िया हुआ सर सामान, उसमें जो था पैसा कौड़ी भी था कुछ, और मेरा ATM भी गोल है, पैसा भी गोल है, उससे कुछ जेवर जेवरा भी था उसमें। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनरवा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बुधवार को भागलपुर सबौर प्रखंड के चंदेरी मध्य विद्यालय निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन वहां ग्रामीणों के आक्रोश के कारण डीएम को बिना विद्यालय के निरीक्षण किए ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल सुखाड़ को लेकर अब तक लाभुक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे गुस्साए किसानों ने डीएम अंचलाधिकारी और उनके साथ पहुंचे कई पदाधिकारियों को घेर कर मुआवजा देने की मांग की। इसको लेकर किसानों का कहना है कि उनके खेतों में सुखाड़ होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक उन लोगों को सरकार से मुआवजा नहीं मिला है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से इस इलाके को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं मामले को बढ़ता देख स्थानीय पुलिस द्वारा किसानों को समझा बुझा कर मामला को शांत कराया गया और सभी पदाधिकारी वहां से बिना निरीक्षण किए ही बैरंग लौट गए। ये आए थे सुखाड़ के पैसा वितरण करने के लिए। और क्या क्या बोले? वहाँ बोले कि यहाँ फसला करेंगे, क्या क्या आते हैं, ऐसे हुर्री उठा दिया यहाँ पर, बस इतने तक हुआ। मिला जमरा से सुखाड़ और कैसा खाई मसनी। डीएम साहब बोला हाँ। की बोल रखा? कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं। सुखाड़ और पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा कहियो से, नहीं कभी नहीं। सीओ सब आवे जा, सीओ सब और सब आवे जब कोई कुछ नहीं लिखी ला जा जी। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव में शराब के नशे में धुत आशिक मिजाज पुलिस कर्मी को उस वक्त आशिक की भारी पड़ गई, जब एन वक्त पर परिवार के लोगों ने पुलिस कर्मी को धर दबोचा और उसके शादी प्रेमिका से करा दी। इस दौरान पहले तो शराबी पुलिस कर्मी ने शादी करने से मना किया, लेकिन लोगों के दबाव के बाद उसने अपनी प्रेमिका की मांग भर कर शादी कर ली। वह इस घटना के सामने आने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मी सुमंत शर्मा और उसकी प्रेमिका छोटी के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। इधर प्रेमिका छोटी कुमारी का कहना है कि सुमंत ने उनसे काली मंदिर में शादी रचाई थी, लेकिन विश्वास में की गई इस शादी का उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। छोटी ने कहा कि सुमंत ने उसे सामाजिक स्तर पर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, जिसके लिए वो अक्सर सुमंत पर दबाव बनाती थी, लेकिन वो इनकार करता था। साथ ही कहा कि सुमंत उसके बच्चों को अक्सर मारता पीटता था। वहीं इसको लेकर छोटी की बड़ी बहन ने बताया कि उनकी बहन छोटी जब बनहरा गांव आई तभी से सुमंत शर्मा के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। साथ ही कहा कि लगातार गश्ती में आने और एक रेप केस के सिलसिले में उसकी बहन से सुमंत शर्मा की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और लगातार उनके घर पर सुमंत का आना जाना होने लगा। वह इसको लेकर उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने शराबी पुलिसकर्मी की करतूत के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल प्रभाव से अय्याज शराबी पुलिसकर्मी को कार्य से अभिमुक्त कर दिया। गार्जियन लोग थे? नहीं, कोई नहीं थे। हम अपने बोला के, हमको ससुराल से बोला के बोले कि चलो हम मंदिर में। ससुराल कहाँ था पहले? ससुराल था लाखो। उस समय वो क्या करते थे आपके हस्बैंड? जो थे मेरा हस्बैंड उस समय जो थे क्या काम करते थे? मिस्त्री था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटी। छोटी कितनी पढ़ी लिखी है? हम पढ़े लिखे नहीं, हम इतना तलिक बोले कि मेरा घर नहीं तोड़वाइए, आप अपना घर देखिए और हमको भी हम अपना घर रहने दीजिए। तो एगो अफसर के नौकरी चला गया है, पाल जी था विनोद पाल, उसका नौकरी चला गया, वो नौकरी चला गया, इनके तरफ से नौकरी चला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।